हेलो एवरीवन। सो हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा कॉन्सेप्ट ऑफ केपी। तो इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केपी। तो एक रिएक्शन देख लेते हैं, हमने अपने पिछले किसी लेक्चर में तो देख ही ली होगी। N2O4 गैस गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2 गैस, ठीक है, मान लेते हैं ये हमको दे रखा है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो इसमें हमको बता रखा है कि इनिशियली हमारे पास सिर्फ N2O4 है, ठीक है। इनिशियली सिमिलर क्वेश्चन होगा, सिर्फ N2O4 है और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कितना है वो मान लेते हैं 180 ml, ठीक है। ये एक फ्लास्क में चल रहा है, NO2 कुछ नहीं है इनिशियली, ठीक है। फाइनली जब इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, फाइनली जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तब हमको बताया गया जो टोटल प्रेशर है इस फ्लास्क का वो 1.5 atm है, ठीक है, दैट इज 1.5 atm। तो सवाल वही है कि केपी बताना है कितना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, तो पहली बात ये है फाइनल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इस चीज को सिंपली इक्विलिब्रियम प्रेशर भी कहते हैं। तो हमारा भी कॉन्सेप्ट क्या था जो हमने केसी के टाइम पे देखा था, हमने कहा था ठीक है अगर हम मान लें इसके 1 mole है, 1 में से अगर एक्स मोल गए तो इसके कितने मोल्स बनेंगे, 2x, ठीक है। अभी लेकिन हमको प्रेशर दे रखा है, हम कह रहे हैं कि इसका जो प्रेशर है वो 180 ml है। अब इतना समझ आ रहा है कि अगर इसके x मोल्स कम होंगे तो मतलब इसका प्रेशर कुछ p से कम होगा ना, राइट। इसका प्रेशर कितना कम होगा, टू बी प्रिसाइज xRT/V, राइट, पी इक्वल टू nRT/V। तो इतना तो प्रेशर इसका कम हो जाएगा ना, और इसके अगर x मोल्स कम हो रहे हैं, इसके 2x मोल्स बन रहे हैं, तो इसका प्रेशर कितना इंक्रीज होगा, 2xRT/V, राइट। तो ये समझ आ जाना चाहिए, अगर प्रेशर पी से डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ प्रेशर 2p से इंक्रीज होगा। तो जो चीज़ मोल्स के लिए ट्रू थी वो प्रेशर के लिए भी ट्रू होती है, बिकॉज ऑफ अ सिंपल रिलेशनशिप दैट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो अभी इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना हो गया, ठीक है, अभी मैं कह दूंगा इक्विलिब्रियम प्रेशर और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वो कितना है, वो है 1 - p + 2p। वॉट इज दैट, 1 + p, और वो किसके बराबर है, वो तो दे रखा है ना, वो 1.5 के बराबर है। इसका मतलब p कितना आ गया, p आ गया 0.5। तो अगर p 0.5 है तो इसका मतलब आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि ये कितना है, 1 atm, और ये कितना है, ये आ गया 1 - p 0.5 atm। सो kp कितना आ गया, kp इज प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2O4। सो हाउ मच इज दैट, दैट इज सिंपली 1 square, ठीक है, 1 square डिवाइडेड बाय 0.5, तो वो कितना आ गया, 2, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे हमने देख लिया कि बेस्ड ऑन दिस वी फिगर्ड आउट कि KP की वैल्यू 2 है। अगेन हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इसका प्रेशर 1 atm था, कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ, 0.5 डिक्रीज हुआ ना, तो प्रेशर आधा कम हो गया ना, प्रेशर अगर आधा कम हो गया तो मतलब मोल्स भी आधे कम हुए होंगे, राइट। सो आई कैन से प्रेशर हैज चेंज्ड बाय डिक्रीज बाय 50%, प्रेशर मोल्स के प्रोपोर्शनल है, सो मोल्स हैव आल्सो डिक्रीज बाय 50%। तो अभी क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन जो है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन वो हो जाएगा 50%, और इस केस में भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो लेट मी लुक एट अनदर गैशियस रिएक्शन, H2S, इट डिसोसिएट्स टू गिव, मान लेते हैं H2 गैस प्लस S2 गैस, इसको अगर मैं बैलेंस करूं, आई थिंक यहाँ मेरे को 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। इस बार भी हमको दे रखा है कि हमारे पास एक फ्लास्क है, ठीक है, वी हैव अ फ्लास्क, और इस फ्लास्क में इनिशियली सिर्फ H2S है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज 2 atm, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम हमने अलाउ किया, सो इस बार दे रखा है कि H2S का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 0.2 है। हेंस हमको दो चीज़ें बतानी है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम एंड वैल्यू ऑफ KP, ठीक है। तो देखते हैं,
तो जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट का जो हमारा स्टोशियोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है, हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका एक मोल है, अगर इसके दो एक्स मोल रिएक्ट करेंगे, इसके कितने मोल्स फॉर्म होंगे, टू एक्स एंड एक्स. सो द रेशियो इन विच दिस रिएक्शन विल हैपन इज 2:2:1. अब देखते हैं, हमको दे रखा है इसका प्रेशर कितना है, 218. कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, 0.2, मतलब 0.2 ऑफ इट्स मोल्स जो है वो डिसोसिएट कर जाएंगे. अगर 0.2 मोल्स डिसोसिएट कर जाएंगे तो प्रेशर भी तो इतने से डिक्रीज करेगा ना, 0.2 टाइम्स से, राइट? क्योंकि यार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 है, मतलब 20%. तो 2 मोल्स विल डिक्रीज बाय 20%. इफ मोल्स डिक्रीज बाय 20%, प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीज बाय 20%. जितना मोल्स का डिक्रीज यहाँ है उतना मोल्स का इंक्रीज यहाँ है, तो जितना प्रेशर का डिक्रीज यहाँ है उतना ही प्रेशर का इंक्रीज यहाँ है. और ये तो 2:1 है, और यहाँ अगर 0.2 × 2 डिक्रीज है, यहाँ इंक्रीज कितना है, 0.2 × 1, राइट? सो हम कह देंगे फाइनल प्रेशर अगर मैं देखूँ, ये आ जाएगा 2 − 0.4 = 1.6, ये आ जाएगा 0.4, और ये आ जाएगा 0.2. सो केपी कितना आ गया, 0.4² × 0.2² / 1.6². ठीक है, तो वो कितना आ गया, 0.2 / 16, दैट इज वी कैन से 1/80. सो केपी वैल्यू विल कम आउट टू बी 1/80. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, द क्वेश्चन ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड केपी पे. तो एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, मान लेते कुछ ऐसा दे रखा है, ए बी गैस गिव्स ए गैस प्लस बी गैस. ठीक है, और हमको दे रखा है कुछ, तो इनिशियली हमारे पास सिर्फ ए बी है, ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं बता रखा, इनिशियली हमारे पास सिर्फ ए बी है, ठीक है, और ए और बी नहीं है. तो हमको बता दिया कि इसमें हमने अलाउ किया, वी अलाउ दिस टू डिसोसिएट, तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश हो ही जाएगा, राइट? सो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश. सो द ओनली थिंग दैट इज गिवन टू अस विद रिगार्ड टू दिस इज कि हमको बता रखा है कि जो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है केपी, वो 2 है, ठीक है, एंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम जो है वो कितना है, वो 16 है, ठीक है. सो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 16 एंड द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज 2. तो इफ दीज ट्रू थिंग्स आर ट्रू, वॉट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए बी, ठीक है, ये दे रखा है. तो यूनिक क्वेश्चन है, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रखा है और केपी और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दे रखा है, ठीक है, दिस इज एट इक्विलिब्रियम. तो इस क्वेश्चन को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, इस क्वेश्चन में हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास इसका एक मोल है, ठीक है, तो बेस्ड ऑन स्टोशियोमेट्री इसके एक्स मोल्स रिएक्ट करेंगे टू गिव एक्स मोल्स ऑफ दिस एंड एक्स मोल्स ऑफ दिस, ठीक है. तो अभी आपको समझ आ जाना चाहिए जो एक्स है वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, राइट? बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, क्वांटिटी डिसोसिएटेड बाय इनिशियल क्वांटिटी, राइट? तो अगर हमने एक्स फाइंड कर लिया वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, ठीक है. तो अभी मान लेते इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया तो टोटल मोल्स कितने हैं फ्लास्क में, 1 − x + x + x, सो वो कितना हो गया, 1 + x. तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं इन तीनों को 1 + x से डिवाइड कर देता हूँ. सो 1 + x क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 1 + x. तो इफेक्टिवली मैंने क्या लिखा है, ये तीन चीज़ें क्या है, मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, वो क्या होता है, वो होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. तो हमने तीनों का मोल फ्रैक्शन लिख दिया. अब मैं यहाँ एक और चीज़ लिख सकता हूँ, आई कैन से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी इंटू टोटल प्रेशर, राइट? वो क्या आ गया, वो आ गया 1 − x / 1 + x · PT, राइट? सिमिलरली आई कैन से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर, राइट? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, x / 1 + x into
total pressure. And similarly, partial pressure of B, aise ho jayega, mole fraction B total pressure, that is X upon 1 plus X total pressure. So, in teenon ka pressure mil gaya na meko aise. To abhi main keh sakta hu, theek hai? I can say that KP, theek hai, ye hata dete. I can say that KP is equal to partial pressure of A into partial pressure of B upon partial pressure of AB. So, isme aap partial pressure of A ki value put kar sakte ho, right? Partial pressure of B ki value bhi put kar sakte ho and partial pressure of AB bhi put kar sakte ho, right? And we can figure this out. So, aap log ye try kar lijiye. You can try this and once you try this, aap value find kar sakte ho x ki. So, you can pause the video here. Uske baad I can try this. Theek hai, I'll get rid of this. ठीक है तो अगर आपने सही से लिखा होगा तो आपको मिल गया होगा KP is equal to partial pressure of A वो क्या था X upon 1 plus X into total pressure into partial pressure of B X upon 1 plus X into total pressure right divided by partial pressure of AB 1 minus X upon 1 plus X into total pressure ये और ये कैंसिल हो जाएगा ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा सो यू विल गेट kp व्हिच इज 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर टाइम्स pt दैट इज 16 राइट सो दिस इंप्लाइज 1 बाय 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर ठीक है इफ यू सॉल्व दिस You can clearly see, ठीक है, अगर आप इसको solve करेंगे, you will get x is 1 by 3. So, degree of dissociation here is 1 by 3. So, I hope this is clear. So, I would recommend कि आप इसके बाद ये question try करें. Similar concept पे question है. अगर same reaction है, ठीक है? The reaction is AB gas gives A gas plus B gas. ठीक है तो हमको दे रखा है kp जो है दैट इज 8 एंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम जो है वो है 2 atm ठीक है ये हमको दे रखा है तो इस बार हमसे फिर से ये पूछा है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करिए यू कैन कमेंट योर आंसर एंड आई विल गिव यू अ फीडबैक अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई सो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं So, these are all the type of questions jo KP pe puche ja sakte hai. And agle lecture mein, we'll be looking at reaction mixtures, jisme cheezon ki states jo hai, wo different ho. Kuch gas hoga, kuch liquid hoga, kuch solid hoga. So, until then, goodbye.